हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है स्पेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप स्पेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको BLS के अंदर अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर BLS स्पेन लिख लेना है गूगल पर जाकर। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है india.blsspainvisa.com, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद वेबसाइट का डिस्क्लेमर आता है, इसको क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बुक अपॉइंटमेंट, उसके सब ऑप्शन में शेंगन वीज़ा है और इसके साथ ही बुक योर अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल और फैमिली। अगर आप सिंगल ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल पर सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप फैमिली को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फैमिली को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑप्शन 2 मेंबर्स से लेके 8 मेंबर्स तक ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इंडिविजुअल की अपॉइंटमेंट लेना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सेलेक्ट पासपोर्ट इशू प्लेस, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका पासपोर्ट जहाँ से भी इशू हुआ है आपको वो सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा पासपोर्ट मान के चलते हैं दिल्ली से इशू हुआ है और हमारा करंट रेजिडेंस भी दिल्ली है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट करंट रेजिडेंस, अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं। अगर आप 6 महीने से कम समय के लिए वहाँ पर रह रहे हैं तो लेस देन 6 मंथ्स पर क्लिक कीजिए। अगर आपको वहाँ पर रहते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो मोर देन 6 मंथ्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सेंटर चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। सेलेक्ट योर सेंटर में जाकर आप अपना सेंटर चूज़ कीजिए और इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट कैटेगरी में नॉर्मल चूज़ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करानी है। मेल आईडी के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पर आपको जाना होगा। जब आप एक बार रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक कर देते हैं तो आपने जो मेल आईडी यहाँ पर डाली है आपको वहाँ पर जाकर एक कोड मिलेगा, आपको वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो मैं अपनी मेल आईडी में चला जाता हूँ और वहाँ से उस कोड को देख लेते हैं। BLS वीज़ा स्पेन का ऑप्शन आया हुआ है यहाँ पर, ये मेरा कोड है, मुझे इस कोड को वेरिफिकेशन कोड में डालना होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके बाद आपको आई एग्री टू प्रोवाइड माई कंसेंट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट इसके बाद जो भी अवेलेबल डेट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी दिल्ली के अंदर स्लॉट सभी फुल हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये जो ऑरेंज है इसका मतलब स्लॉट्स फुल है और सैटरडे संडे वीज़ा ऑफिस बंद रहता है, तो ये रेड वाले आपका हॉलीडेज़ दिखा रहा है और ये सेकंड और थर्ड गवर्नमेंट हॉलीडेज़ थे, तो ये थोड़ा से ग्रे कलर के होते हैं। तो यहाँ पर से आपको अपॉइंटमेंट चूज़ करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना टाइम दिया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम है, आपको वो चूज़ करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पासपोर्ट आपको ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट इशू डेट डालिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट जो भी है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा है इसको फिल कर देना है। जब आप एक बार कैप्चा को फिल कर देते हैं उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो मेल आईडी है रजिस्टर्ड, उस पर आपको अपॉइंटमेंट का मेल आ जाएगा, उस अपॉइंटमेंट को आपको प्रिंट आउट निकाल कर पर्टिकुलर डे आपको जाना होगा और अपना वीज़ा फाइल सबमिट करानी होगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।